हेलो गाइस, मैं हूं तासिक। आप देख रहे हैं टेक्नोताहा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग तो थंबनेल देख के ही आए होंगे कि फ्री फायर को कीबोर्ड और माउस से कैसे प्ले करें। गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्री फायर को कीबोर्ड और माउस से कैसे प्ले करें, वो भी अपने एंड्रॉइड फोन में। बट गाइस, उसमें एक्टिवेशन की प्रॉब्लम आती थी, बहुत से लोग उस एप्लीकेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। लेकिन गाइस, इस वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। इसमें जो मैं एप्लीकेशन बताऊंगा उसमें आप लोगों को कोई भी एक्टिवेशन नहीं करना पड़ेगा। गाइस, ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। बस गाइस, आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, मेरे स्टेप को फॉलो करिएगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फ्री फायर प्ले करने के लिए आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक माउस, एक कीबोर्ड और एक यूएसबी हब। गाइस, यूएसबी हब बहुत से टाइप के आते हैं, आप कोई भी यूएसबी हब ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक माउस और एक कीबोर्ड कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों को एक OTG की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों का फोन टाइप सी है तो टाइप सी OTG ले सकते हैं। गाइज, ये सब आप लोगों को मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे आप इन सबको बाई कर सकते हैं। अब आप लोगों को OTG को USB हब में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नेम है ऑक्टोपस। गाइज, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा, बट गाइज उसमें कुछ फीचर प्रीमियम मिलेंगे। लेकिन गाइज, जो मेरे फोन में ऑक्टोपस इंस्टॉल है इसमें आप लोगों को प्रीमियम फीचर फ्री में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन चाहिए तो मैंने इसकी लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो डिवाइस कनेक्टेड दिख रहा है। अब आप लोगों को USB हब को अपने फोन में कनेक्ट कर लेना है। गाइज, ये USB हब अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का भी नहीं कनेक्ट होगा तो आप लोगों को सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है OTG। जैसे ही सर्च करेंगे आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे OTG कनेक्शन को ऑन कर देना है। गाइज, जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हब में लाइट आ चुकी है। गाइज, ये कनेक्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को ऑक्टोपस को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, माउस और कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को माइक गेम के नीचे प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। यहां से आपको फ्री फायर को ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद आप लोगों को सिंपली इस पे टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे यहां पे आप लोगों से परमिशन मांगेगा, तो अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पे ऑक्टोपस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। अगेन आप लोगों को फ्री फायर ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे आप लोगों से यहां पे Google ID को लॉगिन करने को बोलेगा। अगर आप Google ID लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका गेम बार बार क्रैश होता रहेगा। यहां पे आप लोगों को गो टू फिक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को 5 सेकंड वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आइनो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने Google ID से लॉगिन कर लेना है। मैं अपनी Google ID से लॉगिन कर लेता हूँ। गाइज, मैंने अपनी Google ID को लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को अगेन गेम को ओपन कर लेना है। गाइज, यहाँ पे हमारा गेम ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों से अपडेट मांगेगा, तो गेम को आप लोगों को अपडेट कर देना है। मेरा ऑलरेडी गेम अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी ID से लॉगिन कर लेना है। अब गाइज, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हमारी ID बैन नहीं होगी। गाइज, 100% आपकी ID सेफ रहेगी, इसमें बैन होने का कोई भी चांस नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी ID को लॉगिन कर लेता हूँ। गाइज, ID सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। उसके बाद गाइज आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कस्टम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम लोग अपनी की मैपिंग करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऑक्टोपस का आइकन दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो फायर बटन है इसको हम लोग अपने फायर बटन पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को साइड को ऐड करना है। साइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड में आप लोगों का साइड का बटन भी दिख जाएगा।
साइड को हम लोग यहाँ पे रख देंगे क्योंकि गाइज इसी से हमारा लेफ्ट राइट स्क्रॉल होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कंपास को ऐड कर देना है। कंपास को हम लोग अपने WASD ऑप्शन पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो भी की ऐड करनी पड़ेगी आप लोगों को की पे टैप कर देना है। यहाँ पे मैं 5 से 6 की ले लेता हूँ। लेने के बाद आप लोगों को सिंपली की पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस कर देना है। जिस बटन से आपको जो भी कंट्रोल करना रहेगा उस बटन को आपको टैप कर देना है। जैसे कि मैं अपना बैग टी से ओपन करूंगा तो यहाँ पे मैं बैग पे रख दूंगा। गाइज ऐसे ही करके आप लोग की को सेट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को और ऑप्शन इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन प्रीमियम है। बट गाइस ये हम लोगों को फ्री में मिल गया है। यहाँ पे आप लोग एक बटन से 3-3 कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ऑर्डर वाला बटन ले लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप लोग एक बटन से 3 कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आर को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये तीनों बटन में आर प्रेस हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे तीनों बटन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आर से ब्लू वाल को पुट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक आर को डाउन पे रख दूंगा और एक आर को मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को माइनस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करेंगे तो आर डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग अगर आर को प्रेस करेंगे तो आपका ग्लू आर और डाउन हो जाएगा, दोनों एक ही साथ काम करेंगे। गाइज इसी से आप 1 टैप में डबल कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अब मैं की मैपिंग कर लेता हूँ क्योंकि गाइज अगर मैं एक ही वीडियो में की मैपिंग बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने की मैपिंग कंप्लीट कर दी है। अब आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे माउस 2 का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप लोगों को कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। इससे हमारा एरो इनेबल होगा और एरो डिसेबल होगा। अगर आप लोग कंट्रोल को टैप करेंगे तो आपका एरो डिसेबल हो जाएगा, आप लोग उससे स्क्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोग कंट्रोल को अगेन टैप करेंगे तो आपका माउस से स्क्रोल नहीं होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को बटन ऑपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप लोगों इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप लोग जितने पे रखना चाहते हो उतने पे रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो इसको इंक्रीज करेंगे, आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप लोग इसको डिक्रीज करना चाहते तो डिक्रीज कर लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से सेंसिटिविटी को रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट कम कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने पूरी की मैपिंग भी कर दी है। यहाँ पे आप लोगों को टिक का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। हमारी की मैपिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को बैक आ जाना है। अगर आप लोग यहाँ पे कंट्रोल पे टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे स्क्रोलिंग ऑन हो जाएगा। ये देखिए मैं माउस से इसको स्क्रोल कर पा रहा हूँ। अब आप लोग अगेन कंट्रोल को ओपन करेंगे आपका एरो दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ मैं ट्रेनिंग में आ चुका हूँ। अब मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग शिफ्ट से रन करेंगे। ये देखिए गाइस, उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी एक गन ले लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी कितनी हाई है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप यहां पे देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी बहुत ही हाई है। गाइज आप लोग प्ले करिएगा, बहुत ही मजा आएगा। गाइज मैं आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूं। देखिए गाइज आप देख सकते हैं कि ये फुल्ली वर्क कर रहा है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बस आप लोगों को कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद गाइज आप लोग प्रो प्लेयर बन जाओगे। गाइज इसी तरह से हम लोग कीबोर्ड और माउस से फ्री फायर को खेल सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड फोन में। आई होप कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि जैसे ही अगला अपडेट आए आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.